अरे ट्रक वाले भैया जगा दो। तो ये जो है स्ट्रैप मुझे मिल गया, देखिए क्वालिटी। तो चाबी का टेस्टिंग हो गया। आसनसोल मार्केट में बहुत बड़ा टायर का दुकान है, तो मेरा बाइक। वेलकम टू आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। मैं हूं साहब और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मोनिर पुतुल। होप करता हूं आप बढ़िया हैं और बढ़िया रहेंगे मेरे जैसा। तो दोस्तों आज है 7 सितंबर 2022, टाइम हो रहा है 10:30 AM इन द मॉर्निंग और आप सोच रहे मैं स्कार्च पहन के क्यों खड़ा हूं। तो एक्चुअली आज होगा मोटो ब्लॉग, हम कहीं जा रहे हैं कुछ काम से, क्यों जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं सारे बातें सारे आपको चलते चलते बताएंगे, मतलब गप सप करते करते चलेंगे। और आज मेरा मूड भी बहुत बढ़िया है क्योंकि बहुत दिन बाद राइड भी हो रहा है, मोटो ब्लॉग भी हो रहा है और मेरा जो हेलमेट और मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बिल्कुल रेडी है। तो नीचे चलेंगे, बाइक वहाँ पे है और गियर अप होंगे और निकल जाएंगे सही सही करते हुए। तो चलिए लेट्स सेट गो। तो फाइनली मेरा बाइक जो है बिल्कुल रेडी, मेरा ब्लैक पैंथर बजाज पल्सर 220F। और यहाँ पर मैंने एक थैला बांध लिया है, इसमें कुछ मेरा सामान है, चलते चलते बताएंगे क्या है इसमें। तो चलिए लेट्स गो। तो वो देख रहे हो पानी टंकी कितना बड़ा, बहुत पुराना है, ये कोल माइंस का होता है, ECL का। तो दोस्तों आज वेदर बहुत ही बढ़िया है, सनी है और हल्का हल्का हवा भी चल रहा है, बहुत दिन बाद राइड भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं आसनसोल भाया रानीगंज, मतलब दो तीन काम है। जो बैग आपने देखा था उसमें मेरा एक पुराना वाला हेलमेट है, उसका स्ट्रैप जो है ख़राब हो चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको बदलाने के लिए अगर देखेंगे वहां पे रिपेयरिंग होता है कि नहीं, सिर्फ स्ट्रैप बदलना है। और ज़्यादा वक्त मैं रानीगंज भी घुसूंगा क्योंकि रानीगंज में मेरा बैंक का कुछ काम है और बैंक का काम ख़त्म करके रानीगंज में फिर हम जाएंगे आसनसोल। क्योंकि ये जो देख रहे हो की यहाँ पे, तो ये वाला जो की है मेरा, इसका डुप्लीकेट की अभी तक नहीं है, तो उसको बनवाना भी पड़ेगा, तो इसीलिए जा रहे हैं आसनसोल। तो यही मेरा तीन काम है, और भी कुछ काम है जैसे कि कुछ एक्सेसरीज देखना है बाइक का, फिर टायर वगैरह भी देखना है कि कैसा कैसा टायर आता है आसनसोल में। तो ये सब छोटा मोटा काम है, तो घूमते घूमते जाएंगे, आपको भी घुमाएंगे दिखाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। अरे ट्रक वाले भैया जगह दो, पूरा जगह देखिए ले ले रहा है, कैसा ये लोग चलाता है भाई, अपना लेन छोड़ के दूसरे का लेन को भी पूरा ले लेता है। यहाँ पर थोड़ा सावधानी से जाना पड़ता है। और ये देख रहे हो कासफूल वाइट वाइट, तो दुर्गा पूजा आ रहा है, तो देखिए चारों ओर कासफूल हो रहा है, इधर साइड में ऑपोजिट साइड में भी है, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो ये वाला जो बट का पेड़ है यहाँ पे कॉफ से रहता है, देख रहे हो बाइक वगैरह सब कुछ रोकता है, पूरा चेकिंग चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, सब गाड़ी को रोकता है, तो मुझे नहीं रोका, रुकता तो थमने ला जाता है, पुलिस वालों ने रोक लिया, नहीं तो बस्टेड बाय कॉप्स। तो अभी हम आ चुके हैं तोपशी फ्लाईओवर। तो देखिए यहाँ से फ्लाईओवर पूरा स्टार्ट हो रहा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए इतना देर हो रहा है, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे आज पानी नहीं दिया है, अच्छा है, नहीं तो कीचड़ कीचड़ हो जाता लद्दाख पूरा, फिर रोड का हालत क्या है। तो फ्लाईओवर का काम पूरा जोर कदम से चल रहा है, बाइक में सायरन भी दे रहा है फ्यूल के लिए। तो सामने ही तोपसी फ्यूल स्टेशन है, वहाँ पे भरवा लेंगे रेल गेट क्रॉस करके। तो देखिए कितना काम चल रहा है इधर, पूरा काम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है ये वाला, बहुत बड़ा फ्लाईओवर। ये वाला बन जाएगा तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगा, बड़ा बड़ा क्रेन्स फ्लाईओवर। बाइक में बहुत ज़्यादा सायरन मार रहा है, अब जल्दी फ्यूल भरवाना पड़ेगा। ओहो पूरा जैम जैम जैम, सामने पुलिस का गाड़ी, भाई लोग ट्रैफिक संभाल रहे हैं। एक्चुअली ये ट्रक जो है ख़राब हो गया है, देखिए इसीलिए यहाँ पे जैम लग रहा है। तो यहाँ पे हो रही है तगड़ी ऑफ रोडिंग, तगड़ी वाली एकदम, देख रहे हैं इतना ख़राब हो चुका है रोड, कब ये बनेगा फ्लाईओवर भाई, बहुत जाम है बहुत। इधर भी क्रेन का काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा जैम है, इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग, बाप रे बाप, ये लद्दाख से भी बदतर हो गया है भाई। 106 टका 106 रुपीज़,
तो फाइनली पहुंच चुके हैं पंजाबी मोड़, और यहां से आसनसोल 17 किलोमीटर, धनबाद 78, दुर्गापुर 24, कोलकाता 190। तो मुझे आसनसोल जाना है, लेकिन भाया रानीगंज, तो पहले मुझे बाएं मोड़ना पड़ेगा कोलकाता साइड, मतलब कि दुर्गापुर साइड, फिर वहां से सर्विस लेन को अंडर पास होकर निकलना पड़ेगा। तो यहां पे सारे गाड़ी बाएं मोड़ता है, पुलिस वालों का चेकिंग भी है, सब गाड़ी रोक रहे हैं, और ये बहुत ही पोल्यूटेड एरिया है। मुझे एक चीज़ बहुत ही ख़राब लगता है कि जितने भी सर्विस रोड है सबके हालात इतने ख़राब क्यों है। देखिए हालात, देखिए बड़े बड़े गड्ढे, जितने सारे सर्विस रोड है सबका हालत ऐसा है। देख रहे धूल कितना उड़ा रहा है बस सामने। हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो डस्ट। यहाँ पर हाई बीम करके चलाना पड़ेगा बाइक को, क्योंकि आगे पीछे इधर उधर से गाड़ी मोड़ के आ रहा है। तो यहाँ पे सामने है अंडर पास, तो अंडर पास होके निकल जाएंगे। इतना ज़्यादा बड़ा बड़े स्पीड ब्रेकर से नीचे लग जाता है बाइक पे। तो फाइनली आई हैव एंटर्ड रानीगंज। तो यहीं पे सामने मेरा बैंक है, तो पहले बैंक जाएंगे, बैंक का काम सब समेटेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो फाइनली मेरा बैंक का काम हो गया, एक काम हो गया, अभी और दो काम हैं जो कि आसनसोल में जाके करना है। और अभी मैं फिर से जाके NH2 पकड़ लूँगा, अभी मैं NH60 में जा रहा हूँ। पूरा हाईवे रास्ता है मेरा घर से लेके, वो भी NH60 है जो रानीगंज तक आता है। और यहाँ पे आ चुके हैं पंजाबी मोड़, यहाँ पे देख रहे हैं फ्लाईओवर, देख रहे हैं तो वही वाला हाईवे हम पकड़ लेंगे, सामने जो फ्लाईओवर है तो उसको पकड़ के निकल जाएंगे लेफ्ट साइड होके, मतलब आसनसोल साइड, मतलब धनबाद साइड बोलते हैं। और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रानीगंज के अंदर, इसीलिए अंदर मैंने उतना ब्लॉग नहीं किया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो फाइनली मुझे NH2 मिल गया। देखिए आसनसोल यहाँ पे 18 किलोमीटर है, धनबाद 79, सिवड़ी 58, बर्धवान 93, कोलकाता 194। तो ये है फ्लाईओवर, देखिए ऊपर वो ट्रक्स जा रहा है, तो मैं लेफ्ट ले लूँगा यहाँ से तो सीधा आसनसोल। तो यहाँ पे भी कॉप्स रहते हैं, पुलिस वाले, जो कि बहुत ज़्यादा चेकिंग करते हैं। देखिए वहाँ पे बैठे हैं, और अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो चेकिंग थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। और हर सर्विस लेन का हालत यही है, पूरा ख़राब। मुझे तो डर ही लगता है ये बस वालों को, मतलब इतना ज़्यादा रोक देते हैं अचानक से बाएं मोड़ के। तो ये फ्लाईओवर बनने के बाद ये वाला जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, इसका बिजनेस बहुत कम हो गया, अभी कोई यहाँ पे इतना घुसता नहीं है फ्यूल लेने के लिए। ये वाला पंप पहले इसका भी अच्छा रेपुटेशन था, सब चलता भी था, अभी खाली एकदम। ये बस वालों हर जगह में जाम लगा देते हैं। तो भाई यहाँ का रोड्स बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने पे, और बाइक भी बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम मक्खन जैसा। और भाई कुछ दिनों सुनने में आ रहा है बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, तो मैं सभी बाइकर्स राइडर्स को एक ही मैसेज दूंगा कि भाई राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, हो सके तो राइडिंग गियर्स पहनो, एटलीस्ट कुछ ना हो हेलमेट पहन के चलाओ, इसमें आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा चलाने में, और आप भी सेफ रहोगे, घर पर लोग भी खुश, टेंशन कम। फिर देख रहे हो भाई मेरे सामने जो बाइक्स जा रहे हैं, कोई हेलमेट वगैरह कुछ नहीं पहना, तो क्या बोलूँ यार। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि अचानक से डाइवर्सन आ जाते हैं, स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जिनको आसनसोल नहीं घुसना होगा वो यहाँ से सीधा बाईपास हो जाएगा। देखिए पूरा खुदाई चल रहा है काम, यहाँ से फिर से फ्लाईओवर को यहाँ से बनाया जाएगा, इस जगह पे प्रॉब्लम था पूरा, तो यहाँ से फ्लाईओवर पूरा निकल जाएगा आसनसोल को बाईपास करते हुए, और बाएं जाने से आसनसोल सिटी में घुस जाएंगे, आसनसोल सिटी, सीधा जाने पे धनबाद।
तो मैं लेफ्ट टर्न ले लूँगा क्योंकि मुझे आसनसोल में काम है। ओ भाई जैम लगा दिया रे आते ही, लेकिन हाँ बाएं जा सकते हैं। वेलकम टू आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। ये वाला बहुत ही साफ टर्न है, यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ टर्न है। देखिए वाओ, तो फाइनली एंटर्ड आसनसोल सिटी। रोड्स देखो कितना अच्छा है, पेड़ बहुत अच्छा लगता है ये वाला रोड मुझे। तो यहाँ पे बहुत सारे हेलमेट के दुकान है, तो यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि हेलमेट रिपेयर होगा कि नहीं। तो ये मेरा जो हेलमेट का स्ट्रैप है ये ख़राब हो गया, तो ये स्ट्रैप मुझे मिल गया। तो ये जो है स्ट्रैप मुझे मिल गया, देखिए क्वालिटी बढ़िया है, मेटल का है और ये प्लास्टिक का है। तो ये वाला शॉप से मुझे मिल गया, बीबी कॉलेज के सामने ही अपोजिट में। तो बीबी कॉलेज के पास यहाँ पे बहुत सारा सीट बनाने का दुकान है, लेकिन यहाँ पे कोई बनाने नहीं खोज रहा हेलमेट मेरा। तो अभी जाना पड़ेगा मुझे उषा ग्राम स्कूल के पास, वहाँ पे मिल जाएगा बोल रहा है। ये है उषा ग्राम स्कूल और यहाँ पे है छोटू भैया का दुकान। तो यहाँ पे उषा ग्राम के पास छोटू भैया बना रहे मेरा हेलमेट। हम थोड़ा घूम के आते हैं अपना दूसरा काम करके, फिर ले जाएंगे एक घंटा दो घंटा बाद। तो फाइनली मैं अपना हेलमेट को रिपेयर करने दे के आ चुका हूँ और अभी मैं मेन मार्केट आसनसोल का जो मेन मार्केट है उस तरफ आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सारे देख रहे हैं मार्केटिंग का दुकान है, मतलब कि क्लोथ्स वगैरह का, और इसका अंदर में सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी है, देख सकते हैं। यहाँ पे है चाची गली, फेमस चाची स्वीट्स का गली, और इसके अंदर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है इस गली के अंदर। तो फाइनली मुझे मिल गया दुकान माइकी पॉइंट, यहाँ पे यहाँ सीढ़ी से जाना पड़ेगा नीचे से, और बाइक मैंने वहाँ पे पार्क कर दिया ठीक आसनसोल बस स्टैंड को क्रॉस करके राइट साइड में। यहाँ पे देखिए पूरे एलजी वेलजी सब है। तो चाबी का टेस्टिंग हो गया दोनों का ही, एकदम सही है, लॉक वगैरह ठीक हो रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया ओरिजिनल का और डुप्लीकेट सब का, तो तीन चाबी हो गया अब मेरा। तो फाइनली मेरा जो काम था, हाँ इधर हाँ जूता भी लिए वो कमांडो वाला, हाँ ये पैर में लग जाता ना स्टैंड में, गर्मी लग जाता साइलेंसर में। हाँ। तो फाइनली मेरा चाबी जो है रेडी हो चुका है और यहाँ पे है माई की पॉइंट बस स्टैंड के अपोजिट में। तो एक चीज़ बहुत अच्छा है, 5 मिनट लगा, 5 मिनट में काम हो गया, सिर्फ आपको RC और आपका एक ID प्रूफ गवर्नमेंट देना पड़ेगा बस सेफ्टी के लिए, और उन्होंने पूरा बिल भी दे दिया, ऑथोराइज बिल एकदम। फिर से जैम बस स्टैंड के वहाँ पे, यहाँ से बस निकलता है घुसता है तो इसीलिए ज़्यादा जाम लग जाता है। तो यहाँ पे है माइकी पॉइंट, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इसको क्या दुर्गा मार्केट ना क्या बोलते हैं, गिरजा मोड़ ना क्या, बस स्टैंड के यहीं पर। इधर से टोटो दाब रहा है, उधर से ऑटो दाब रहा है, कहाँ से जाए भैया, देख रहे हो क्या हालत है। जैम ही जैम, जैम ही जैम, अब तो पूरा हालत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से रेड सिग्नल हो गया, देखो यहाँ पे जो है डबल लाइन, तो इसका आगे मत रुकना कभी, इसके पीछे लेना, क्योंकि बहुत बार पुलिस वाले भी पकड़ते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैन भी हो जाता है, वो लोग सामने जाके गाड़ी रोक रहा है, वहाँ पे इलीगल है, चलाना आ सकता घर में ऑटोमेटिक कैमरा से, यही तो पुलिस वालों भी फाइन करता है। तो मैं हमेशा जो यहाँ पर डबल लाइन है इसके पहले रुकता हूँ, उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह रहता है। बहुत सारा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट, अंदर तो और भी है, मतलब अगर कोलकाता के बाद कोई बड़ा मार्केट आता है वेस्ट बंगाल में वो तो है आसनसोल, मतलब साउथ बंगाल का सबसे बड़ा मार्केट है, सब हेड ऑफिस वगैरह सब यहीं पर है, देख रहे हैं दोनों साइड पर। और यहाँ पे जा रहा है ग्रीन लाइन वॉल्वो आसनसोल टू कोलकाता, बहुत खतरनाक चलाता है भाई वॉल्वो ड्राइवर्स, मैं तो दूर ही रहता हूँ। तो ये है राजा टायर आसनसोल मार्केट में, बहुत बड़ा टायर का दुकान है, तो मेरा बाइक का टायर देखना था। तो ये वाला जो मेरा रियर व्हील है ये सेमी ओवरो टायर है,
तो इसका भी चलेगा, एक दो महीना आराम से चलेगा। तो लोग बोला कि आप बाद में चेंज करवा लो। तो रेलको वगैरह का आ रहा था तो वही 2500-3000 के बीच में पीछे वाला टायर, और अगर आप सामने का टायर लेंगे तो वही 1700-2000 के बीच में आ जाएगा। तो राजा टायर के ऑपोजिट में ही है आपका ऑटो मार्केट, तो वहाँ पर सोच रहे हैं जाते हैं, थोड़ा एक्सेसरीज के बारे में पूछताछ करते हैं, इस साइड जाना पड़ेगा। तो ये है आसनसोल का ऑटो मार्केट, देख सकते हैं यहाँ पे जनरली फोर व्हीलर्स का ही चीज़ें मिलता है। इसको टेस्टिंग कर दिए, ओ इसे पेस्टिंग कर दिया। मेरा हेलमेट का काम हो गया और हम उत्साह ग्राम से निकल चुके हैं घर के ओर। तो यहाँ पे एक बुद्धा है, देखिए बुद्धा ना क्या है कुछ पता नहीं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये वाला है रेलवे ब्रिज, ये दिल्ली चला जाता है, दिल्ली इधर कोलकाता, वो देखिए मालगाड़ी जा रहा था। थैंक यू, विजिट अगेन। तो सिग्नल ग्रीन, वाओ, पहले यहाँ पे बहुत पुलिस वाले रहते थे, चेकिंग करता था, अभी चेकिंग नहीं होता है, बढ़िया है कि सिग्नल ग्रीन है। तो फाइनली मैं NH60 फिर से पकड़ लिया, NH2 को छोड़ के, और यहाँ से देखिए मालदा है 240 किलोमीटर, मोरग्राम 140, रामपुरहाट 107, सिवड़ी 60। तो फाइनली मैं घर पहुंच गया, अपना गांव का रास्ता में हूं, और 100 मीटर उसके बाद आपको बाद में मिलते हैं। घर में जाके फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, खाते हैं। तो ये रहा मेरा हेलमेट, इसका स्ट्रैप जो एकदम फिक्स हो गया, एकदम इसको खोलना पड़ा पूरा अंदर से, ये फिक्सिंग हुआ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से किया इसको खोल के, और ये सब भी पेस्टिंग ख़राब हो गया था तो इसको पूरा खोल के पेस्टिंग भी कर दिया, तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ। और ये मेटल का है, बहुत ही बढ़िया। तो इस टोटल सर्विस का लिया 50 रुपीज़ ओनली, और इसका पड़ा 150 रुपीज़, टोटल 200 रुपीज़ खर्चा हुआ मेरा हेलमेट के ऊपर। तो यहाँ पे 3 कीज देख रहे हैं, जो मिडिल वाला की है ये मतलब बाइक का ओरिजिनल की है, तो मैंने 2 डुप्लीकेशंस बनाए। तो अगर आप एग्जैक्ट ओरिजिनल जैसे बनाना चाहते इसका प्राइस पड़ता है 150 रुपीज़। और ये वाला जो की है इसको बोलते हैं लाइट वेट की, एकदम लाइट वेट मेटल है, एकदम हल्का है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, मेटल का क्वालिटी भी अच्छा है, तो इसका प्राइस पड़ा 150 रुपीज़। तो ये दोनों का सेम पड़ता है 150। और दूसरा जो ये वाला ब्लैक वाला की देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फोल्डिंग की, तो देख सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेट भी है और बहुत ही अच्छा। इसको पॉकेट में रखेंगे तो कोई दाग वगैरह नहीं होगा अगर मोबाइल वगैरह रखते हैं। और इसको खोलना होता है ऐसा, ये जो की है देख रहे हैं यहाँ पे एक बटन, इसको ऐसा प्रेस करना पड़ता है, जैसे प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा ऐसा। तो इसका प्राइस जब पड़ा 350 रुपीज़, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और इसको बंद करना होता है ऐसा। माई की पॉइंट का ऑथोराइज बिल, इसमें कॉन्टेक्ट और एड्रेस इन्फॉर्मेशन है। अभी टाइम हो रहा है 4 PM इन द इवनिंग, और जस्ट आधा घंटा पहले ही मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड घर पहुंच गया, नहा के फ्रेश हो गया और खाना का एकदम रिलैक्स हो गया, और आज के दिन बहुत ही बढ़िया गया, राइड वॉज गुड, और मेरे सारे काम भी हो गया, मतलब बैंक का काम, फिर हेलमेट का काम, फिर डुप्लीकेट कीज का काम, और बाइक रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज वगैरह का इन्फॉर्मेशन भी लेना था, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले लिया मार्केट में घूम के। तो फ्यूचर में बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं, सारे चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा थ्रू माई ब्लॉग्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा, तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, अपने सर्कल में शेयर, कुछ भी कहना चाहते हैं कि अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जरूर लिखिए कमेंट्स में, कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए, और बॉल का नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो में वीडियो प्रोड्यूस करूँ। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय, बी हैप्पी।